अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट इजाज अहमद और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड ऐप्स टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कोई भी फोल्डर, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, जो भी हो, आप आसानी के साथ हिडन कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी ऐप और थर्ड सॉफ्टवेयर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल मैनेजर ओपन करना है, उसके बाद आपका जो फोल्डर है, चाहे वो एसडी कार्ड में है, चाहे इंटरनल स्टोरेज में है, ठीक है। तो मेरा एसडी कार्ड में फोल्डर है तो मैं उसको हिडन करता हूँ, ठीक है। मैंने ये एचडी सॉन्ग्स है, इसको हिडन करना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने मोर पे आ जाना है। बाज़ मोबाइल जो होते हैं उनके मोर आते हैं, बाज़ का इधर तीन थ्री डॉट बने होते हैं, उस पर क्लिक करना है। मेन चीज़ है आपने रीनेम करना है इस फोल्डर को, ठीक है। जैसे मैं मोर पे क्लिक करूँगा, ये देखें रीनेम आ गया। आपने रीनेम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने फर्स्ट में डॉट लगा देना है। मेन चीज़ है आपने जो जहाँ से मतलब है कि फोल्डर का नाम शुरू हो रहा है, उससे पहले आपने एक डॉट लगा देना है। देखिए, जैसे मैं डॉट लगाऊंगा, उसके बाद मैं ओके करूँगा और कन्फर्म करूँगा। जैसे मैं कन्फर्म करूँगा तो ये जो फोल्डर है वो हिडन हो जाएगा। ये देखें अब ये हिडन हो गया है। तो इस तरह आप बिल्कुल आसानी के साथ कोई भी मतलब है फोल्डर है, चाहे ऑडियो है, वीडियो है, बिल्कुल आसानी के साथ हिडन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको अब देखना कैसे है। तो आपने जो ये थ्री लाइंस आ रही हैं, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है। तो ये देखें, सबसे पहले लाइन आ रही है शो हिडन फाइल। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बैक आएंगे, तो ये देखें सबसे पहले HD सॉन्ग्स आ गया। तो ये आपका वापस आ गया, आप ये शो हो गया। और जैसे ही आप दोबारा सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद ये लिखा है शो हिडन फाइल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हिडन हो जाएगा। तो इस तरह आप बिल्कुल आप आसानी के साथ कोई भी फोल्डर है, चाहे वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, जो भी फोल्डर, को बिल्कुल आसानी के साथ हिडन कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आसानी के साथ बनाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।